बेउर थाना के हरनीचक में लालू राबड़ी सेवा संस्थान के मालिक को उनके मैरिज हॉल के पास ही अपराधियों ने गोली मार दिया। घटना शुक्रवार के अहले सुबह करीब की बताई जा रही है। अपराधियों ने लारा सेवा संस्थान के मालिक मुन्ना उर्फ नंद किशोर को 2 गोली मारी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि मैरिज हॉल संचालक और लारा सेवा संस्थान के संचालक नंद किशोर उर्फ मुन्ना अपने स्विफ्ट डिजायर कार से जा रहे थे, तभी बाईपास सड़क के नजदीक ही हरनी चौक में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी आए और गोली मार दिया। वही अपराधियों ने उनको 2 गोली मारी और फरार हो गए। गोली लगने के बाद लोग जमा हो गए और तत्काल इलाज के लिए पारस अस्पताल लेकर भागे। वही मामले की जांच के लिए पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो पहुंचे हैं। जिन व्यक्ति जिनको गोली लगा है, जो कि एक सेवा संस्थान चलाते हैं, लारा सेवा संस्थान चलाते हैं, और उनका साई कम्युनिटी हॉल भी है। जैसे अभी हम लोग उसी का ही व्यू देख के और आज उसी की समीक्षा करने के लिए आए थे, और जो प्रत्यक्षदर्शियों से बात भी हुआ है, जो कि उनके अपने अकाउंटेंट हैं। ये सुबह उनका ऑफिस AG कॉलोनी में पड़ता है। ये अपने जो साई सेवा संस्थान है वहाँ से निकले थे, अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में निकले थे। तो कुछ दूर पर जाके पीछे से एक बाइक सवार ने धक्का दिया है उसको, तो इन्होंने गाड़ी रोका है। जैसे इन्होंने शीशा नीचे किया है तो उस व्यक्ति ने 2 गोली मारा है। एक गोली इनके चेहरे पे लगा है और चेस्ट पे लगा है। ये पारस में इलाजरत है, अभी इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वही हम लोग आसपास के जो CCTV हैं उनका हम लोगों ने मुआयना किया, और जो प्रत्यक्षदर्शी जो कि इनके अपने अकाउंटेंट हैं उनका सारा स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया है, घर वालों से बात किया है। कुछ कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं, बाकी जैसा FIR दर्ज करेंगे घर वाले उसी के अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम ऑफिसिया तो अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाया है, लेकिन कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का ही उसका एंगल लग रहा है। लेकिन अभी जब फॉर्मल औपचारिक रूप से FIR दर्ज होगा उसके बाद ही हम आगे कुछ इसके ऊपर टिप्पणी कर पाएंगे। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।